आज निस्ल खबर के छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने अमनौर प्रखंड के शेखपुरा पंचायत स्थित पंचायत के समिति सदस्य प्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार गुप्ता से बात कर समाज में उनके योगदान से संबंधित सामाजिक कार्यों को लेकर बात किए जाने का प्रयास किया कि उनके मन में समाज के प्रति इस तरह का समाज के विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा किससे मिली एवं जल जीवन हरियाली को लेकर क्या कहना है, तब मनरेगा से संबंधित किन किन योजनाओं में अपनी सहभागिता दिखाए हैं, इस बारे में क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए खास रिपोर्ट। अभी मैं सारण जिला के अमनौर थाना अंतर्गत शेखपुरा पंचायत में आया हूं और यहां के समिति प्रतिनिधि संतोष कुमार जी से बात करूंगा और सरकार की कुछ कार्यशाली योजनाओं के बारे में ये बताएंगे और जनता के बीच भी रूबरू होंगे। सर नमस्कार, नेशनल खबर 9 से जुड़ने के लिए सर आप अपना परिचय। मैं संतोष कुमार गुप्ता पंचायत समिति प्रतिनिधि से पूरा पूरे पंचायत वासियों को और पत्रकार भाई होली होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आप वर्तमान मुख्यमंत्री का जो भी योजनाएं आप धरातल पर लाए इस बारे में सर बताएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो मनरेगा के अंतर्गत पंचायत समिति की जो कार्य दिया गया लगभग 2 वर्ष पहले, उसमें मैं पूरे छपरा जिला में सबसे ज़्यादा पंचायत से पूरा में अमनौर प्रखंड से पूरा पंचायत में मैं मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराया हूँ, जिसमें अनगिनत दर्जनों रोड, खेल मैदान, कब्रिस्तान की मिट्टी भराई और रोड का सोलिंग और PCC सड़क का निर्माण मैं मनरेगा के अंतर्गत अपने से पूरे पंचायत में दर्जनों सड़क का और सब कुछ का निर्माण कर रहे हूँ। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मनरेगा में पंचायत समिति को भी भागीदारी दिए और विकास में मैं से पूरा में को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। और उसके बाद में मैं माननीय विधायक छोकर बाबा का भी धन्यवाद देता हूँ, उनको मैं अपने मैंने प्रयास से अपने पंचायत में अनुशंसा करवा कर दर्जनों रोड का PCC कार्य करवाए और छठ घाट का भी निर्माण करवाए, शेड का भी निर्माण करवाए हैं और विकास भवन का भी वो निर्माण कराए हैं और कुछ अनुशंसा किए हैं जो बहुत जल्द बहुत जल्द कार्य होने वाला है। इसलिए मैं चोकर बाबा को भी बहुत बहुत मैं बधाई दे रहा हूँ जो मैं से पूरा पंचायत के लिए वो इतना कुछ किए हैं। अच्छा संतोष जी, हालांकि सामाजिक कार्यों में काफ़ी उनकी रुचि है और समाज में इनका अच्छा पहचान बना हुआ है और चुनाव में कहीं ना कहीं ये बहुत सार्थक सिद्ध होते हैं, जिस पार्टी और जिसके तहत ये जुड़ते हैं कहीं ना कहीं इनके माइंड के अनुसार पॉलिटिक्स में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं और इनके मन में कैसे विचार आया कि राजनीतिक में अपनी एक पहचान बनाया जाए। जी मैं शुरू से जब से पंचायती मैंने राज्य गठन हुआ 2001 से उसी समय से मैं जो पूर्व मुखिया लालबाबू रहे थे उन्हीं के नेतृत्व में मान के चलिए मैं काम सीखा और काम करते गया। और 2011 में मेरे अपने छोटे भाई को वार्ड सदस्य के तौर पर मैंने वार्ड से पूरा पंचायत से खड़ा करके जितवाए। उसके बाद में उस समय भी पूरे पंचायत में जो वार्ड नंबर 11 है से पूरा पंचायत में सबसे ज़्यादा कार्य हुआ। उसके बाद में माने के चलिए मेरे पास जो भी आदमी आ जाता है अगर बोलेगा कि भाई साहब ये काम आप किसी फंड से करवा दीजिए, मेरे पास फंड नहीं है, वो और कहीं भी गया है, कार्य नहीं हुआ है, मैं अपने निजी कोष से बता रहा हूँ भाई कि आप हमसे पूरा पंचायत में एक 6 नंबर वार्ड में से पूरा मोहना ग्राम है वहाँ पर नाला का निर्माण मैंने बहुत दिनों से रोका हुआ था जी। सभी किसी को वहाँ बहुत परेशानी थी नाला के चलते, वहाँ पर आए लोग हमसे मांग किए, मैं अपने निजी कोष से वहाँ पर एक नाला का निर्माण करवाया। उसके बाद में जर्जर रोड है वहाँ पर रोडा राविश डलवा कर मैं चलने के लिए बनाया। और कोई भी आदमी अगर निर्धन आ जाए कि हमको शादी ब्याह में मदद चाहिए, कुछ बीमारी में मदद चाहिए, मैं बिना किसी संकोच को ना किसी को जाने हुए मैं वो हरदम तैयार रहता हूँ। उसके बाद में है कि खेल हो, हर एक चीज़ में पूजा पाठ हो, हर एक चीज़ में मैं तन मन धन से लगे रहता हूँ।
अभी जो स्वागत का पर्व होली आने वाला है, यह कहीं ना कहीं हिंदुओं का बहुत अच्छा पर्व माना जाता है, इसमें आम आवाम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हर एक धर्म के लोगों से कहना चाहता हूँ कि होली के पर्व शांतिपूर्वक मनाएं और हंसी खुशी मनाएं, नशा मुक्त मनाएं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो नशा मुक्त अभियान है उसको सफल बनाएं। होली के दिन सिर्फ आप लोग खाइए, रंग खेलिए, अबीर खेलिए, किसी से कोई झगड़ा झंझट मत कीजिए। अब आप नशा के सेवन कीजिएगा तभी झंझट होगा। बिहार तो नशा पे पाबंदी है सर, पर्यावरण को लेकर क्या कहेंगे? पर्यावरण के लिए मैं कहूँगा कि जल जीवन हरियाली के जो मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है उसमें हर एक आदमी अपने जीवन में कम से कम पौधा लगाए। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं अपने निजी कोष से अभी से पाइगा कला जो है से पूरा पंचायत में 11 नंबर वार्ड वहाँ एक कब्रिस्तान में, उसके बाद में आंगनबाड़ी के प्रांगण में मैं निजी कोष से 100 पेड़ लगवाया हूँ। चलिए, इनका काफ़ी सराहनीय प्रयास है और इसी प्रयासों के सहारे आज इनके समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में और सरल कुशल कार्यरत के रूप में आज ये काफ़ी चर्चित हैं, जिनके चलते आने वाले समय में भी चुनाव में इनकी क्या गतिविधियां रहेगा या तो चुनाव का समय ही पता चलेगा। छपरा समाज